रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, दिस चैप्टर इज वेरी इजी, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो, बस आपको फोकस रखना है, ठीक है। तो देखो रिडॉक्स की बातें करते हैं, 5 मिनट का चैप्टर है, 5 मिनट बोल रहा हूँ, ज्यादा हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन पहले इसके बारे में बातें करते हैं। देखो बात सुनो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन, तो पक्का इस चैप्टर में पूरा रिएक्शन का खेल है। अब रिएक्शन का खेल है, पर जो रिएक्शन है कुछ अलग तरीके का है, जिसको हम बोल रहे हैं रिडॉक्स, जहां पर आरी का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और यहां पर ये आरी डी है, रिडक्शन हो गया, और ये ओ एक्स है ना, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिसके अंदर रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं मिला के। पर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा रिडक्शन है कौन सा ऑक्सीडेशन है, उसकी बात करते हैं। देखो छोटा सा ट्रिक याद रखना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पहले ट्रिक की बात करते हैं, फिर अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे। वैसे 11th 12th लेवल पे हम इसी की बात करते हैं, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। क्या ध्यान रखना कि एक नंबर लाइन बना लो, लाइक ये जीरो हो गया, इधर भी एक नंबर लाइन बनाओ, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये 0.0 हो गया आपका, या फिर ये लाइन हो गया 0, और नंबर लिख दो +1 +2 +3, ऐसे चलता रहेगा +4 +5 +6, वैसे इधर लिख दो -1 -2 -3। जब भी आपको नंबर इस तरफ जाते हुए दिखाई दे तो आप बोलना है ये ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जब भी नंबर इस तरफ जाते हुए दिखाई दे तो आप बोलना रिडक्शन होगा, क्या होगा। मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट लगेगा समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, जिसके अंदर रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें ये पहचानना है कि ऑक्सीडेशन कब होगा और रिडक्शन कब होगा। जैसे मैंने कहा देखो मेरे पास सोडियम है और ये सोडियम 0 में पड़ा हुआ है, सोडियम किस में पड़ा हुआ है, 0। अब सोडियम जो है चला गया +1 में, यहां से क्या समझ में आता है कि भाई देखो 0 पर था नंबर, ठीक है, 0 पर नंबर था और वो चला गया आगे की तरफ +1 में, तो हम बोलेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। और ये कब पॉसिबल होता है कि आप 0 से +1 लेके आओ, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इसको बोलते हैं लूज। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ध्यान रखना, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो +1 आया। जैसे और एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा कि कहीं पर आयरन है, मान लो आयरन, और आयरन चला गया Fe+2 में, तो अब बताओ यहां पर क्या हुआ है, 0 से +2 में, तो 0 से +2 जाते वक्त कितने स्टेप पार किए, देखो ऐसे स्टेप गिनने हैं, एक लाइन, फिर ये दूसरा, तो 2 स्टेप पार किए तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो इसका भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। वैसे मैं आपसे बोलूं एग्जांपल देखना, कॉपर +2 में है, अब हुआ क्या समझना, कॉपर +2 से कॉपर 0 में चला गया, कॉपर 0 में, तो आप बोलोगे यार +2 था, क्या था, अब आ गया 0 पे, तो इस साइड आया, और इस साइड क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। अब सोचो कोई बंदा प्लस से 0 में गया, प्लस से, इसका मतलब पक्का माइनस यहां जुड़ा होगा, माइनस यहां, और माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव पार्टिकल, तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखोगे कि भाई देखो +2 के अंदर 2 माइनस गया, कौन गया, तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0। बात समझे, तो जब भी रिडक्शन हो इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है, और जब भी ऑक्सीडेशन हो इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड में लिखना होता है। तो हमारे 11th 12th लेवल पे रिडॉक्स रिएक्शन में यही डेफिनेशन चलने वाला है कि जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी किस कहीं पर गेन, यहां पर गेन हुआ, देखो कॉपर में हमने गेन कराया, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो गेन, तो जब भी रिडक्शन के डेफिनेशन क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ, क्या आपने 9th 10th में ये सब पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ये सब पढ़ा ना डेफिनेशन, तो वी आर नॉट गोइंग टू, है ना, रिपीट दैट काइंड ऑफ थिंग। 11th 12th लेवल पे यही चलता है, तो मैंने आपको लिखवाया, अब रफली इसको लिख लो, फिर आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक को। चलिए
इसके ऊपर थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। जैसे मैं आपको ऐसे एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं कोई ए है वो माइनस वन में है और ए चला गया जीरो में। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन। तो सोचो माइनस वन से जीरो में गया, तो माइनस वन से जीरो तो इस साइड गया, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ इसका। अब समझते रहना, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, अब मैंने कहा कहीं पर मान लो ऐसा लिखा है a माइनस टू और इससे गया a माइनस फोर, तो मुझे ये बताओ a का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन किया। तो सोचना पड़ेगा कि ये रहा माइनस टू और पीछे है माइनस फोर, तो माइनस टू से माइनस फोर तो क्या होगा, रिडक्शन। आप समझ पा रहे हैं? देखिए माइनस टू से गया पीछे माइनस फोर तो रिडक्शन, वैसे ही माइनस वन से कहा गया था, समझ में आ गया ना, माइनस वन से जीरो पर तो ऑक्सीडेशन। आपको मैं ना ऑक्सीडेशन में इस तरफ लिखना होता है। अब बताओ कितने स्टेप पार किए, माइनस वन से जीरो एक स्टेप, यहां लिख देंगे एक इलेक्ट्रॉन। जब भी लॉस हो लॉस को इस तरफ लिखते हैं, और जब गेन लिखना हो गेन तो इस तरफ। पर कितना लिखना है देखो, माइनस टू से माइनस फोर कितने स्टेप, दो स्टेप। स्टेप कैसे काउंट करते हैं, स्टेप ऐसे कि माइनस टू पर था तो एक स्टेप ये, फिर अगला स्टेप है ना, तो दो स्टेप। तो दो स्टेप में हम बोलेंगे दो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये रिडक्शन हुआ। और जी सुन लो अब एक छोटी सी बात, एक और मैं लिखता हूं जैसे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बताओ क्या हो रहा है, क्या आपको दिख रहा है जो कॉपर का प्लस टू है वो कॉपर के जीरो में गया, क्या कॉपर का प्लस टू कॉपर के, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। तो आप बोलोगे यार प्लस टू से जीरो में गया, तो प्लस टू यहां होता है और जीरो पीछे, तो इसका हुआ रिडक्शन। मतलब हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमने एक लाइन बना लिया नंबर लाइन और उससे काम हो रहा है। अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक देखो, जिंक ऑलरेडी जीरो पे कुछ भी नहीं है, तो और जिंक जीरो से किस पे गया, प्लस टू, तो जीरो से प्लस टू आगे गया, तो ऑक्सीडेशन। अब देखो अब इसके अंदर हुआ क्या है, जो हमारा इसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हुआ है रिडक्शन भी हुआ है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इसे नोट कर सकते हो कि किसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहा करते हैं, तो नोट कर लो फटाफट, मेरी बात सुनो बेटा। तो ये हमने देखा रिडॉक्स रिएक्शन, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन पता लग गया ना कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन में एक बंदा इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, एक बंदा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। गेन किसके अंदर होता है, रिडक्शन के अंदर गेन होता है और ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस होता है, और लॉस होने पे इस तरफ जाते हैं और गेन होने पे इस तरफ आते हैं। तो इस तरह से हमने ओवरऑल जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स को समझना है आपको। पहला तो वर्ड तो मैंने ऐसे लिख दिया ऑक्सीडेशन। देखो अगर आपको पीछे का रिएक्शन याद है ये वाला, तो यहाँ से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। देखो क्या क्या समझना है, देखो सिर्फ इसी रिएक्शन से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। देखो अगर आप ठीक से देखोगे तो जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, जिंक का हुआ, तो कॉपर का हुआ रिडक्शन। तो अगर मैं बोलूं कि यार ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, तो ऑक्सीडेशन का मतलब आप प्यार से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि यार ऑक्सीडेशन मैंने लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस। अब सोचो जब जिंक ने खुद को ऑक्सीडाइज किया, जिंक ने क्या किया है, खुद को ऑक्सीडाइज, देखते रहना, खुद को ऑक्सीडाइज किया ना, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस। जिंक ने खुद को ऑक्सीडाइज किया, खुद का, तो बगल में जो बंदा था उसके साथ उसका क्या किया, रिडक्शन, क्या किया। तो जब ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है ना, तो दूसरों को करता है, दूसरों को रिड्यूस, दूसरों को। और सोचो मैं दूसरों को रिड्यूस करता हूं तो मैं कहलाऊंगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ध्यान रखना, तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप बोलोगे सर व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऐसा बंदा जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, खुद का क्या हुआ है। अब खुद सोचो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो बगल वाले का क्या हुआ, रिडक्शन। तो जो दूसरे का रिडक्शन करवाए, खुद का ऑक्सीडेशन करवाए, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब सोचो ना दूसरों को रिड्यूस करे वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा,
तो बहुत सिंपल में ध्यान रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे, दूसरों को रिड्यूस करे, और जब दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद को करेगा ऑक्सीडाइज। तो बहुत ही सिंपल था। वैसे मैं आपसे बोलूं कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, तो आप बोलोगे सर गेन, आप बोलोगे गेन। अब मेरी बात सुनो, कॉपर ने किया है गेन, दिख रहा है आपको, प्लस से जीरो में गया। सोचो मेरे पास प्लस टू था, अब मैं जीरो हो गया, मतलब मैंने दो इलेक्ट्रॉन का गेन किया। अब जब इसने खुद का रिडक्शन किया, खुद का, तो जिंक का क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूस, समझना, रिडक्शन का होता था गेन, और इसका मतलब क्या है, जो खुद को रिड्यूस करे, खुद को रिड्यूस। अब जो खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज, दूसरों को ऑक्सीडाइज, दूसरों को ऑक्सीडाइज। अगर उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है तो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो, जो इलेक्ट्रॉन का गेन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद कर लेना, ये सब कंफ्यूजिंग है बहुत, पर अगर आप कॉन्सेप्ट से देखो तो बड़ा आसान है कि मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो मेरा हुआ है ऑक्सीडेशन, अगर मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है तो मैं दूसरे को करूँगा रिड्यूस, तो मेरा नाम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है समझना, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ना। तो मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, इस चैप्टर में अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, पहले हम इंपॉर्टेंट ही कवर कर रहे हैं, और मुझे लगता है वही हर साल एग्जाम में आता है। वो कई बार होते हैं कि तुम्हारे टीचर कुछ भी दे देते हैं ऊपर नीचे, ऐसा कुछ है नहीं, जो CBSE और NCERT का जो मेन तरीका है वही बता रहा हूँ मैं आपको। देखो जैसे हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर हमने पढ़ लिया भाई कि पता कैसे लगता है कि ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ है, जब कोई चेंज अपीयर हो, है ना। जैसे आप एग्जांपल समझना, जैसे आप जैसे उसमें वो रिमोट के अंदर देखते हो, AC के रिमोट के अंदर या TV के रिमोट के अंदर एक बैटरी लगी होती है ऐसी, प्लस और माइनस होता है ना, तो बेसिकली पता है ये चल किस पे रहा है, रेडॉक्स के ऊपर, आप बाद में पढ़ोगे, रेडॉक्स, रेडॉक्स के ऊपर ही चल रहा होता है ये, ठीक है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। इसके अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, और हमें पता कैसे लगता है कि हो रहा है, हमें क्या मिलता है, करंट, क्या मिलता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में ना जनरली चेंजेस से पता लगता है, जब चेंज हो रहा हो, कुछ नया मिल रहा हो, कुछ बदलाव आ रहा हो, तो समझ जाएंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो ये 12th का टॉपिक होता है चैप्टर ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अभी अपन ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं 11th लेवल पे, तो अभी अपने देख लिए छोटी मोटी बातें। अगला जो टॉपिक होता है ना इस चैप्टर में वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बैलेंसिंग, दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन तो आप बहुत ही सिंपली देखो बता रहा हूँ मैं, जनरल डेफिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए NaCl है, तो बॉन्डेड स्टेट में इसके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस वन, और Cl पे माइनस वन, तो हम कहते हैं Na पे प्लस वन है, Cl पे माइनस वन है, तो ये जो चीज़ है ना प्लस वन माइनस वन, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ना हो जाए, हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ना रहे, तो इनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी रेफर करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से, आपके लेवल पे सभी सही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो जनरली आप चार्ज का मतलब समझते हो चार्ज से, बाकी बाद में आपको पता लगेगा कि ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे प्लस वन है माइनस वन है, तो यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे मैंने कहा सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप कहोगे प्लस वन, क्या कहोगे, और मैंने कहा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो क्या बोलोगे, माइनस वन। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक, कि जैसे मैंने कहा कि सिंपल ऐसा बोलता हूँ, मान लो मैंने कहा कि भाई कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर पे कितना चार्ज है, आप बोलते सर प्लस टू है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से हम रेफर कर रहे हैं, बींग नॉट दैट मच प्रिसाइज। मतलब इसके कहने का मतलब है कि आम भाषा में हम ऐसे कह दे रहे। अब काम की बात करते हैं कि चैप्टर में आगे क्या, तो आगे जो इस चैप्टर में चलता है ना कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कैसे करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ KCl, तो आप तो बड़े चार आपको कहोगे K प्लस Cl माइनस हो गया काम, लेकिन मैं ऐसे कुछ लिख दूँ NO2 SO4 कुछ अलग सा लिख दूँ, वो कहूँ सल्फर का बताओ, फिर तो तुम कहोगे यार अब ये कैसे निकाले, यहाँ तो कितने सारे हो गए, दो और चार, बहुत सारे एटम्स हो गए ना, बहुत सारे एटम्स हो गए, तो बहुत सारे एटम्स में किसी एक का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पंगा पड़ जाता है।
तो पंगा ना पड़े उसके लिए हम कुछ रूल्स को याद कर लेते हैं और यही रूल्स आपके जीवन भर काम आएगा। रूल नंबर वन समझिए, देखिए रूल नंबर वन है कि अगर नेचुरल स्टेट में हुआ कोई, नेचुरल स्टेट में, तो हम कहते हैं कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर उसका जीरो होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट उसका जीरो होगा। तुम कहोगे ये कैसी बात है, एग्जांपल बता दो। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है, पता आपको, हमारे नेचर में कभी भी अकेला ऑक्सीजन नहीं मिलता ऐसे, जो तुम सांस लेते हो ये लेते हो डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। तो ये नेचुरल स्टेट में, किसमें है, तो नेचुरल स्टेट में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब उसके पीछे अगर थोड़ा सा ट्रिक समझना है तो ऐसा मान लो ये ऑक्सीजन है, दूसरा भी ऑक्सीजन है, अब दोनों की पावर कैसी है, एक जैसी। अगर दोनों की पावर एक जैसी है तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड, तो दोनों के पास ही रहेगा। अगर कोई चीटिंग कर ले, इस इलेक्ट्रॉन को इधर बुला ले, तो इस पर नेगेटिव आ जाए और इस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव। पर यहाँ पर चीटिंग होने का चांस है ही नहीं, तो ये एक ही जैसे है। जैसे मैंने बोला क्लोरीन गैस, मैंने कहा हाइड्रोजन गैस, मैंने कहा सोडियम, अकेला रखा हुआ है अकेला। अब सोडियम अकेला है तो जीरो में होगा, किसमें होगा, तो जो नेचुरल स्टेट में होता है उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो। बात समझ में आया नहीं आया, आप खुद सोचो ना, मैं अकेला हूँ, मतलब सोडियम है, क्लोरीन है ही नहीं, तो कहाँ से प्लस आएगा। तो ये बहुत नेचुरल बात है कि जब नेचुरल स्टेट में हो, अपने सबसे स्टेबल स्टेट में हो, या से कह सकते हो स्टेबल स्टेट, ठीक है ना। चलो छोड़ो ये सब बातें, सिंपल मैंने बता दिया, जब ऐसा आपको कुछ भी दिखाई दे O2 Cl2 H2, है ना, मतलब बहुत प्रिसाइज नहीं हो रहे हम, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा जीरो। दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल है हाइड्रोजन के लिए, जो हर बार आपके पीछा नहीं छोड़ेगा, ये हाइड्रोजन, ये रूल ध्यान रखना। हाइड्रोजन के अंदर आपको प्लस वन भी दिखाई देगा और माइनस वन भी दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि प्लस वन कब दिखाई देगा, हाइड्रोजन प्लस वन दिखाई देगा नॉन मेटल के साथ। आप बोलोगे सर मुझे नॉन मेटल का ज्ञान ही नहीं है, और माइनस वन दिखाई देगा आपको मेटल के साथ। आप बोलोगे सर मुझे मेटल के बारे में भी नहीं पता है, तो अगर नॉन मेटल के बारे में नहीं पता है प्यारे बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल में, क्या बोला मैंने, पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ जो होता है, पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ। अब तुम बोलोगे मुझे पीरियोडिक टेबल भी याद नहीं, अगर तुम्हें राइट याद हो तो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे जितने भी है वो सारे नॉन मेटल है, और जब भी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तो प्लस वन में होगा। आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल देके दिखाओ, जैसे मैंने कहा क्लोरीन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन है HCl, तो H+Cl-, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस वन। वैसे मैंने कहा HF, ये भी नॉन मेटल है, पता नहीं क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में इस तरफ होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो ये हो गया सर, फ्लोरीन में क्या हो गया बताओ, और ये हो गया प्लस वन। वैसे मैंने कहा कि मान लो मेरे पास है कार्बन, तो कार्बन पे प्लस और हाइड्रोजन पे माइनस मान सकते हो, ठीक है। कार्बन का केस थोड़ा सा अलग होता है, पर फिर भी, और भी ले लो कोई भी एलिमेंट जो उसका हो, नाइट्रोजन ले लो NH3, तो NH3 में क्या आपको पता है नाइट्रोजन होता है नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन क्या होंगे, प्लस, हाइड्रोजन होंगे प्लस। तो जब भी नॉन मेटल के साथ होगा हाइड्रोजन तो प्लस होगा, और मेटल के साथ हुआ, मेटल मतलब जो शुरू के एलिमेंट है सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम, समझ पा रहे हो, सोडियम मैग्नीशियम बेरिलियम पोटेशियम, ये सब पता होना चाहिए। ये शुरू के मेटल है, ये मेटल्स है, मेटल्स अल्कली मेटल अल्कलीन अर्थ मेटल पढ़ाए लो आप लोगों ने। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो माइनस वन में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा NaH, तो Na+H-, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हाइड्रोजन के लिए, वरना आप बहुत सारे क्वेश्चन को गलत करने वाले हो। दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, जो इस्तेमाल होगा, जो ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन आपकी लाइफ में जितनी बार भी दिखाई देगा 99% आपकी लाइफ में -2 में ही दिखाई देगा, बाकी भूल जाओ, बाकी मैं करवा नहीं रहा, बाकी 12th में करना या एक्सपीरियंस से अपने आप आ जाएगा। वैसे ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है वो -1 में भी होता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन -1 में भी होता है, कहते हैं कि +1 में भी होता है, ऑक्सीजन 0 में भी होता है, किसमें होता है, तो ऑक्सीजन अलग अलग स्टेट में होता है। लेकिन इस चैप्टर को हमें कम टाइम में और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो हम सीधा कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो -2 में रहेगा आपके जीवन में जितनी बार भी क्वेश्चन आएगा। बाकी अगर आपको शौक है पता लगाने का, और पता लगाना चाहिए भी, तो आप इंटरनेट पे सर्च मार सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -2, और बाकी जो एक्सेप्शनल है या परऑक्साइड कंपाउंड में सुपरऑक्साइड कंपाउंड में अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग स्टेट दिखाई देता है।
बात समझ पा रहे हो? और ये आप ऑलरेडी जानते हो कि कभी ना कभी बचपन में मैंने आपको इस सब के बारे में पढ़ा दिया है, पता है ना ये बात कि ऑक्सीजन कौन से स्टेट में क्या होता है। पर अभी हमें नीड नहीं है तो अभी हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। देखिए, तो ये हाइड्रोजन की बातें कर ली हमने, ऑक्सीजन की बातें कर ली, आप बताओ किसकी बातें करें, बताओ चैप्टर की बातें करते हैं, क्योंकि यही दोनों आपको तंग करने वाला है, बाकी तो अपने आप ही निकल जाएगा, पता है ना। तो ये हमने दो ही लिखा, फिर अगर हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकियों को समझ में आया क्या लिखवाया मैंने? लिखवा दिया। देखो ऑक्सीजन जो है वो प्लस वन में, देखो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन हमेशा माइनस टू में होगा, लेकिन कुछ स्पेशल केस है जैसे O2F2 में ऑक्सीजन होता है प्लस वन में, याद कर लेना। फिर इधर देखो ऑक्सीजन के लिए मैंने यहाँ एरो लगाया है, माइनस वन किसके अंदर होता है N2O2 H2O2, इसको बोलते हैं परऑक्साइड। वैसे देखो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन आपका -1/2 भी होता है सुपरऑक्साइड के अंदर KO2, वैसे ही ऑक्सीजन जो है पॉजिटिव प्लस का 2 होता है OF2 के अंदर, वैसे ही ऑक्सीजन देखो 0 होता है लाइक O2 एंड O3 में। तो ऑक्सीजन का केस कैसा है, 0 भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, फ्रैक्शन भी है, -1/2 भी आ रहा है। तो ऑक्सीजन की अलग अलग वैल्यू हो सकती है अलग अलग कंपाउंड में, लेकिन 99% केस में आपको -2 ही लेके करना है। सो वी आर गोइंग टू में एक और चीज नोट कर लो कि हाइड्रोजन का प्लस वन होगा नॉन मेटल के साथ साथ, और दूसरा ये कि अगर मेटल हुआ, मेटल लेकिन जैसे उसके अंदर दो से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा एलिमेंट, तब भी प्लस वन ही लेना है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, देखो हाइड्रोजन का -1 भी होता है, +1 भी होता है, एक और रूल ऐड कर लेते हैं, तो अगर नॉन मेटल हुआ तब तो +1 होगा, ये तो फिक्स है। पर अगर नॉन मेटल नहीं हुआ और मेटल हुआ जिसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट है, तब भी हाइड्रोजन का +1 ही लेना है। ठीक है, जैसे ये वाला कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए जो आपका मन करे, लाइक MnO कर लो, Fe2O3 कर लो, या ये जो मर्जी कर लो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 ही लेंगे। गोल्ड का एक्स मान लोगे और क्लोरीन आ जाएगा -4=0, तो एक्स आ जाएगा +3, और इसको रोमन काउंटिंग में लिख देंगे कि जो गोल्ड है उसका 3 है, तो आंसर तो क्या लिखा है एच गोल्ड के बगल में 3, रोमन काउंटिंग में Cl2, इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। देखो मेन क्या है, इस चैप्टर में अगर एक भी रूल मिस करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो ये सारे रूल का खेल है। पर ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे रूल को याद रखो लंबे समय तक, तो कोई भी आप भूल सकते हो। ठीक है, तो आप डेली को आप रिवाइज करना है। ठीक है, चलो चलो, ये छोटी मोटी बातें थी, आगे बढ़ते हैं। सो अभी स्टॉक नोटेशन देख लिया, बड़ा ईजी था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हाफ वाले मेथड से, हाफ मेथड। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, ठीक है ना। तो अब अगर हाफ कभी लिखा आ जाए, हाफ वाला मेथड तो कैसे करना है? अच्छा, अगर आपको याद हो तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक मेथड जब पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, अभी भी हम वैसे ही पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में पहले हम पढ़ रहे हैं हाफ मेथड। तो हाफ मेथड में पहले तो कुछ रूल याद रखना है आपको। पहला रूल क्या है, छोटे मोटे रूल बता रहा हूँ मैं आपको। पहला रूल यही है कि आप ना रिएक्शन को आधा आधा तोड़ लो, रिएक्शन को तोड़ दो आधा आधा। समझाऊंगा मैं एग्जांपल से, तोड़ दो रिएक्शन। तोड़ने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले एक बार, है ना, फिर समझा दूंगा। सो दिस इज द ट्रिक, या जो कह सकते हो स्टेप्स जो मैंने बना रखे है कि बैलेंसिंग बाई हाफ मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं इसको, हाफ रिएक्शन मेथड या हाफ मेथड बोल रहा हूँ मैं। इसमें क्या करना है, रिएक्शन को तोड़ना है, फिर आइडेंटिफाई विच इज ऑक्सीडाइज विच इज रिड्यूस्ड, बताऊंगा करवा के, एंड बैलेंस दैट एटम। जिसका ऑक्सीडेशन है, जिसका रिडक्शन हुआ, उसको बैलेंस कर दो। फिर क्या लिखा है, काउंट, आपको काउंट करना है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और मेक देम इक्वल, कितना लॉस हुआ कितना गेन हुआ उसको इक्वल करना है। फिर बैलेंस करना है चार्ज बाई एच प्लस एसिडिक मीडियम में, अगर बेसिक मीडियम बोलेगा तो OH माइनस। फिर लास्ट में बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O, पानी के सहारा से ऑक्सीजन बैलेंस करना है और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना, NCERT से। सो इसको डील कर रहे हैं हम हाफ मेथड से।
वी आर गोइंग टू डील दिस क्वेश्चन बाय द हाफ मेथड. हाफ मेथड क्या कहता है? हाफ मेथड कहता है कि पहले आधा आधा तोड़ लो, आधा आधा. तो MnO4 को आधा तोड़ लो, ऐसे कर लो MnO4 माइनस, और इसको लिख दो यहाँ पर MnO2, सॉरी इसको इधर करो ना MnO2, MnO4 माइनस इधर कर दो MnO2, फिर यहाँ लिख दो I माइनस से गया I2, दोनों को हमने आधा आधा तोड़ लिया. अगला स्टेप क्या है यहाँ पे, कि अगला स्टेप था कि भाई क्या करना है बताओ, बैलेंस करना है एटम को जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका रिएक्शन. देखो पहले Mn, देखो Mn यहाँ पर Mn का x मानो पहले x, और ये 4 है तो माइनस 8 और बाहर है माइनस 1, क्या है तो x आ गया प्लस 7. तो यहाँ पर जो Mn है वो प्लस 7 में है, और जब Mn प्लस 7 में है और यहाँ पर Mn निकालोगे तो किसमें आएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 4. तो यहाँ पर जो Mn है वो प्लस 4 के अंदर है. तो अगर हम ठीक से देखें तो प्लस 7 से प्लस 4, ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे इसका हुआ रिडक्शन हुआ इसका, ठीक है. अब हमें क्या करना है, सुनते रहना. देखो आपको क्या करना था कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या जिसका रिडक्शन हुआ है उस एटम को क्या करना है, बैलेंस. अगर आपको रूल्स याद हो, थोड़ा बहुत याद है रूल्स. देखो पहला रूल ये था ना, अगर लिख लिया हो तो पहला रूल क्या था, पहला था रिएक्शन को तोड़ दो, आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडाइज हुआ किसका, और उसके एटम को बैलेंस करो. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो फाइंड करना ही पड़ेगा एक्स मान के, समझे नहीं बात को. तो एक्स मान के आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया और पता लग गया कि भाई ये प्लस 7 से प्लस 4 में गया है तो रिडक्शन हुआ है. तो इसका जो Mn है, Mn वो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो एटम बैलेंस है. पहला स्टेप क्या था, उस एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन. या वैसे अब आई माइनस को देखो सारे बच्चे, तो आई माइनस से आई टू, तो ये माइनस 1 से 0 में गया. 0 क्यों, आपको मैंने कहा था सी एल टू एफ टू आई टू, या खुद से ही जुड़ा, खुद से जुड़ा ना, खुद से ही जुड़ा है. तो यहाँ पर आई 0 में होगा, तो माइनस 1 से 0 में गया, माइनस 1 से. तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये हुआ है आपका माइनस 1 से 0, तो ऑक्सीडेशन हुआ है. अब इसको करना पड़ेगा बैलेंस, करना पड़ेगा. तो बैलेंस करने के लिए क्या करूँ बता, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो हमें बैलेंस करना होता है कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा एटम रिड्यूस. तो ये स्टेप क्लियर. अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हुआ क्या है. अगर मैं ठीक से देखूँ, समझना मेरी बात को, अगले स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखा था अगले स्टेप में बताओ. अगला अगर ट्रिक देखोगे, लॉस और गेन कैलकुलेट करना है, लॉस एंड गेन कैलकुलेट करना है, मेक देम इक्वल. तो यहाँ पर देखो एक Mn के पास है प्लस 7 और यहाँ पर एक Mn के पास है प्लस 4, तो यहाँ पर गेन हुआ है. क्या हुआ है, क्योंकि गेन का मतलब होता है पीछे जाना, क्या जाना, तो प्लस 7 से प्लस 4 पे गया ना, याद है आपको 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से इधर आए, 7 से. तो हमने किया है गेन, क्या किया है, और गेन को किस साइड लिखते हैं बताओ, याद है आपको, लेफ्ट हैंड साइड. तो हम बोलेंगे MnO4 माइनस जो है उसने अभी प्लस 7 में था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन का, और 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करके बन गया ये MnO2, समझे, MnO2 बन गया, मतलब 3 माइनस का गेन किया प्लस 7 ने तो प्लस 4 हो गया. वैसे हम बोलेंगे यहाँ पर है 2 माइनस, कितने माइनस, और यहाँ पर है आई टू. अब हम बोलेंगे देखो भैया 2 × −1, 2 × और यह है 0, अरे 2 × −1 यहाँ पर यह −2 है, 2 के लिए कितना है यहाँ पर 2 × −1 −2, और यहाँ पर 2 के लिए कितना है 0, तो −2 से 0 पर गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस, कितना होता है लॉस, और लॉस को हम इस साइड लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा. तो अब ये हमारा अब इक्वल करना है, देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें करना है मेक देम इक्वल, मेक देम. तो इक्वल करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक है. स्टेप 1 था
कि आइडेंटिफाई करो किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, फिर उस एटम को बैलेंस करो। Mn को बैलेंस किया, Mn बैलेंस ही था। I को बैलेंस करने का यहाँ पर दो था, यहाँ वो लगाया। फिर अगले स्टेप में क्या है, देखो स्टेप, जिस बच्चे को स्टेप याद है क्या लिखा है, आइडेंटिफाई पहला था रिएक्शन को तोड़ दो, दूसरा है आइडेंटिफाई करो कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ और एटम को बैलेंस करो। फिर है काउंट लॉस एंड गेन, काउंट और मेक देम इक्वल, मेक देम। तो काउंट को हमने लॉस और गेन काउंट को देख लिया कि यहाँ पर भाई Mn तीन इलेक्ट्रॉन लेके प्लस फोर में जा रहा है, यहाँ दो के ऊपर कितना है माइनस वन, तो माइनस टू से जीरो पे गया, माइनस टू से जीरो पर, तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ा। अब इक्वल बनाने के लिए देखो, इक्वल बनाने के लिए मैंने कहा ये थ्री है क्या ये, और यहाँ पर है टू, यहाँ पर क्या है, तो अगर मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई करूँ सिक्स हो जाए, और इसको टू से मल्टीप्लाई करूँ तो ये, तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ के नंबर को और यहाँ के नंबर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री को उधर भेज दिया टू को इधर। अब देखो देखो अपने आप इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो रिएक्शन आया क्या आया, थ्री MnO4 माइनस, देखो आप सुनो मेरी बात, ये जो प्लस सेवन वाली बात है, प्लस सेवन वाली बात है इसी स्टेप में छोड़ देना। आप ओरिजिनल क्वेश्चन लिखेंगे, ओरिजिनल, सॉरी सॉरी, यहाँ टू से मल्टीप्लाई हुआ ना ये, तो टू MnO4 माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया सिक्स इलेक्ट्रॉन। दोबारा बोल रहा हूँ, जो चार्ज आपने खुद से कैलकुलेट किया है उसको अगले स्टेप में छोड़ देना। अब इसी स्टेप में, अगले स्टेप में हमने इसको छोड़ दिया प्लस सेवन, मैंने खुद निकाला था, याद है आपको, तो जो चार्ज मैंने खुद से कैलकुलेट किया है ना प्लस सेवन, इसको मैं छोड़ दूंगा इसी स्टेप में। टू एम एन ओ फोर माइनस सिक्स इलेक्ट्रॉन गिव्स, बताओ क्या आएगा, टू एम एन ओ टू, और ये प्लस फोर मैंने खुद से निकाला था, याद है आपको, असली रिएक्शन में प्लस फोर था ही नहीं, तो ये भी मैंने यहीं पे छोड़ दिया अगले स्टेप में, क्योंकि मैं आंसर के करीब आ रहा हूँ। अब ये हो गया, इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया है, तो सिक्स आई माइनस और थ्री आई टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब मेरे बच्चों सुनो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो सेम हो चुका है, इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है सिक्स इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर भी आप कुछ नहीं करना। अब देखो इसको दोनों को ऐड कर दिया करो, जब भी इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। अब देखो अगला स्टेप यही था कि मेक देम, मेक द इलेक्ट्रॉन इक्वल, लॉस एंड गेन को काउंट करो, उनको इक्वल बनाओ। तो इक्वल बनाने के लिए हम कुछ नहीं करते, इसके इलेक्ट्रॉन को उससे मल्टीप्लाई करते, उसके इलेक्ट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई करते। फिर जैसे ही सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख गया, सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख गया, ये थ्री से मल्टीप्लाई हुआ था इसलिए थ्री टू जा सिक्स हो गया, दिख रहा है थ्री आई टू थ्री। फिर इन दोनों को ऐड करना होता है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, सुनो जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पर हो गया टू एम एन ओ फोर माइनस ओ फोर माइनस प्लस में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, और लेफ्ट हैंड साइड में और क्या आ जाएगा सिक्स आई, क्योंकि दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर रहे हैं ना। तो देखो एरो के बगल में, एरो के बगल में जो भी लेफ्ट में है, टू एम एन ओ फोर प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस सिक्स माइनस, फिर जो भी राइट हैंड साइड में है टू एम एन ओ टू और क्या है राइट में थ्री आई टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो राइट वालों को एरो के राइट वाले को राइट में, लेफ्ट वाले को राइट लेफ्ट में। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई देगा कॉमन, क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर भी सिक्स इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी, तो वो कट जाएंगे। तो आपका रिएक्शन आपके हाथ में तैयार है, पर अब जो रिएक्शन हाथ में आया क्या आया, टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस सिक्स आई माइनस और टू एम एन ओ टू और थ्री आई टू। तो ये हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया जहाँ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे। जब इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाता है तो अगला स्टेप क्या है बताओ, तो अगला है बैलेंस चार्ज भाई, या तो H प्लस या तो OH माइनस, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है एसिडिक तो H प्लस ऐड करना, बेसिक लिखा है तो OH माइनस। तो लेकिन चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे वो स्टेप देख लो। तो स्टेप ये है कि देखो अगर मैं चार्ज को काउंट करने जाऊँ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो यहाँ पर टू है और क्वेश्चन के ऊपर यहाँ माइनस वन था, तो यहाँ पर चार्ज हो गया माइनस टू, यहाँ सिक्स है और क्वेश्चन के ऊपर है माइनस वन, तो यहाँ चार्ज आ गया माइनस सिक्स। बेटा ध्यान भी दे लो इधर, यहाँ पर चार्ज कितना है जीरो जीरो, कुछ भी चार्ज नहीं है, दिख रहा है ना माइनस ना प्लस, जो क्वेश्चन में है मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर प्लस फोर है, जो मैंने खुद से निकाला था उसको नहीं देखना है। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ऊपर जाओगे तो एम एन ओ टू पर आई टू पर कोई चार्ज नहीं है, तो हमने कहा यार यहाँ पर जो है ना, देखो सिंपल सी बात है, साइंस लिया है तो इतना स्ट्रगल तो करना बनता ही है,
तो यहां पर है चार जीरो एंड जीरो, तो यहां पर चार्ज है माइनस का एट और यहां पर चार्ज है जीरो, तो यहां पर चार्ज है माइनस एट, क्या है और मान लो क्वेश्चन बाय चांस लिखा है कि क्वेश्चन में लिख दिया भैया एसिडिक मीडियम, क्वेश्चन में लिखा होगा बताऊंगा मैं एसिडिक मीडियम, अगर क्वेश्चन में मान लो उसने एसिडिक मीडियम लिखा है तो आप क्या करोगे, तो मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो दोनों तरह से कर लेते हैं, एसिडिक भी कर लेते हैं और बेसिक भी कर लेते हैं। तो यहाँ एसिडिक में बैलेंस कर रहा हूँ मैं और यहाँ बेसिक में बैलेंस करूँगा, ये समझे बात को। तो अगर क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम बोला है तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन को यहाँ लिखो, क्वेश्चन है 2MnO4-, ठीक है, 2MnO4- प्लस 6I- 2MnO2+3I2। आप सिंपल बोलना, हाँ जी सर बात करनी है मोहित, देखो देखो तो यहां पर क्या सुनते रहना, यहां 2MnO4- है, जाओ तो ये 2MnO4- है तो यहां हो गया माइनस का 2 × −1, यहां हो गया माइनस का 6, तो इस तरफ जो चार्ज आया -8 और इस तरफ जो चार्ज आएगा जीरो, चार्ज क्या आएगा जीरो। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सोचो अगर इधर जीरो हो गया और हम चाहते इधर भी क्या हो जाए जीरो, इधर जीरो हम चाहते इधर भी क्या हो जाए जीरो, तो क्या करोगे आप यहाँ पर 8H+, क्योंकि मीडियम क्या है एसिडिक, तो इस तरफ कर दिया हमने 8H+ ताकि +8 - 8 क्या हो जाए जीरो, तो समझे मेरी बात को, उधर जीरो था इधर भी जीरो कर दिया, तो आंसर जो आएगा इधर 8H+ कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 2MnO4- प्लस 6I- और ये बन जाएगा 2MnO2+3I2। अब जब आप चार्ज बैलेंस कर लेते हो ना, तो अगर आपने स्टेप्स देखा हो तो अगला स्टेप होता है बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करते, देखो यहां पर जो, चलो पहले इधर का बेसिक वाला भी कर लेते हैं, बाद में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, अगर क्वेश्चन में लिखा हो इसकी जगह बेसिक, सारे स्टेप सेम होगा, अगर क्वेश्चन में बेसिक बोला तो क्या करोगे, सेम क्वेश्चन को लिखोगे 2MnO4- लिख दोगे, 6I- लिख दोगे, सेम इस स्टेप को दोबारा कर रहा हूं मैं बेसिक में, यहां पर जाएगा 2MnO2+3I2। अगर आप क्वेश्चन में बेसिक मीडियम बोला है तो दोबारा चार्ज काउंट करोगे तो यहां आएगा माइनस का 8 चार्ज, यहां आएगा जीरो चार्ज। अब मुझे बैलेंस करना है, क्या करना है बैलेंस, तो देखो यहां पर -8 है और इधर जीरो है, तो अब मैं इस्तेमाल करूंगा माइनस वाले का, मैं यहां पर ऐड कर दूंगा 8OH-, बोलो क्यों, यहां भी -8 था उधर भी -8, क्योंकि यहां पर जीरो था यहां -8 तो उधर -8 ऐड कर दिया हमने, तो इससे क्या बैलेंस हो गया मेरा चार्ज। अब अगला स्टेप क्या होता है देखो, तो अगला स्टेप होता है, ये बेसिक मीडियम हो गया, अगला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, अगला स्टेप बताया मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन बाई एडिशन ऑफ पानी, अगर स्टेप याद हो तो बता दे रहा हूँ, नहीं याद है कोई भी दिक्कत नहीं, देखो स्टेप ये रहा कि बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O, ये लिखा हुआ है H2O, क्या लिखा हुआ है H2O, तो बैलेंस ऑक्सीजन बाई H2O, कहाँ गया ऑक्सीजन, तो यहाँ हम आए, हमने कहा देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 × 8 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है यहाँ और यहाँ पर कितने हैं 4 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन यहाँ है 4 ऑक्सीजन यहाँ है, तो बताओ किधर कम है, इधर इधर की तरफ कितने कम है बताओ, इधर की तरफ 4 कम है, तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे 4H2O, जब 4H2O लिख दोगे, चलो अगले स्टेप में लिख दो क्या, अगले स्टेप में ठीक है, फिर अगले स्टेप में लिख रहा हूं बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ऐसा है ना फिर तुम नोट्स नहीं बना पाओगे अच्छे, तो जगह 8H+ सेम रहेगा 2MnO4 6I- 2MnO2+3I2 प्लस क्या लिख दूं मैं यहाँ पर 2H2O। अब जैसे ही पानी भर दो, पानी बैलेंस हो जाएगा, अगला स्टेप क्या है देखो, तो देखो हाइड्रोजन अपने आप हो जाएगा, अच्छा मैंने वो गलत किया है क्या, 4H2O करना है, ठीक है रुक जाओ, 4H2O करना था ना, 4 कम थे ना इधर, इधर है 4 × 8 यहाँ पर कितना है
टू टू जा फोर तो फोर एच टू। अब देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ एट है, वहां पर भी कितने हैं एट। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने चार्ज बैलेंस किया, चार्ज बैलेंस। और चार्ज कैसे बैलेंस किया आप खुद जानते हो, टू माइनस वन माइनस टू, सिक्स माइनस वन माइनस सिक्स, और यहाँ क्या है जीरो जीरो। तो यहाँ माइनस एट है तो प्लस एट कर दिया, तो ये हमने स्टेप वाइज कर लिया। अगर यही बेसिक मीडियम में होता, अब बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस हो गया, क्या बैलेंस करना है ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो फोर टू जा एट ऑक्सीजन, यहाँ पर टू टू जा फोर और एट, फोर एट ट्वेल्व, देखो आठ ऑक्सीजन यहाँ है, चार यहाँ, बारह ऑक्सीजन, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है आठ, तो फोर एच टू ओ यहाँ ऐड हो जाएगा, फोर एच टू ओ यहाँ। जब फोर एच टू ओ यहाँ ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक देखो हाइड्रोजन क्या हो गया बैलेंस। तो ये बेसिक मीडियम में बैलेंस इक्वेशन है, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस इक्वेशन है, एसिडिक मीडियम में क्या है बैलेंस इक्वेशन। तो इस प्रकार से हाफ मेथड का इस्तेमाल करके आप बैलेंस करते हैं। आप नोट कर लो, जो स्टेप ना है मुझसे पूछ रहा होगा मैं आपसे पूछूंगा। अगर बैलेंसिंग करने को आया और बैलेंसिंग आया इससे हाफ मेथड की जगह पे, ठीक है, हाफ मेथड की जगह पर ऐसा आ गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखा आ गया, तो स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव बस ब्रेक करने वाली बात हट जाएगी, ब्रेक करने वाली बात हट जाएगी, बस सेम रहेगा सारा स्टेप। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाते हैं तो अभी हम करने जा रहे हैं, पहला क्या होता है कि भाई रिएक्शन जो भी है उसको इस बार ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, इस बार ब्रेक नहीं करना है, सिंपल लिखना है और इसी के अंदर सारा काम करना है। पहला स्टेप मैं पूछूंगा हर बच्चे से, पहला स्टेप क्या है, पता लगाना किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, और उसके एटम को बैलेंस करना। तो ये Mn है, ये Mn है, ये प्लस सेवन था याद होगा आपको, ये प्लस फोर, तो किसका एटम, किसका रिडक्शन हुआ है इसका, तो इसके एटम को बैलेंस करना है, एक Mn दूसरा Mn सेम, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर I माइनस है, ये माइनस वन से जीरो में गया ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और किसका हुआ आयोडीन का, तो बैलेंस कर दिया इसके एटम को, तो इसका एटम क्या हो गया बैलेंस। तो एटम बैलेंस करने के बाद अगला स्टेप होता है लॉस काउंट करना है, लॉस एंड गेन को फिर उसको बैलेंस करना है। तो मैंने कहा Mn जो है प्लस सेवन से प्लस फोर में गया, तो थ्री इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वही टेंशन वाजी है जो भी है, यहाँ पर टू माइनस से जीरो पे गया, दिख रहा है आपको टू माइनस से जीरो पे, तो यहाँ पर दो का गैप है, सोचो ना टू इंटू माइनस वन, माइनस टू से जीरो, माइनस टू से दो का गैप, नहीं समझे, टू इंटू माइनस वन माइनस टू से जीरो। अब लॉस और गेन पता लगा लिया, अब इनको बैलेंस करना है इनको, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन का, अब ये कैसे बैलेंस होंगे, जब इसको दो से मल्टीप्लाई करूँ और इसको तीन से मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब जो है ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन में दो का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस ये, और जो ये वाला लाइन है आई वाला दिख रहा है आपको, आई वाले में 3 से तो 3 जा 6i माइनस, और इस वाले में कितना हुआ है 2 से 2MnO2, और इस वाले में किससे हुआ है 6 से और 3 से 3i2 दिख रहा है। तो उस वाले से आसान है ये कि पहले भैया एटम बैलेंस करो, फिर लॉस और गेन देख लो, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद अगला स्टेप था कि जब एटम बैलेंस हो जाए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए तो चार्ज बैलेंस करो, बट आप लोग देखोगे नहीं, पहले देखो चार्ज बैलेंस करो। तो बताओ चार्ज बैलेंस, मैंने बोल दिया क्वेश्चन मान लो एसिडिक मीडियम का है, तो एसिडिक मीडियम में क्या ऐड करोगे एच प्लस, तो एसिडिक मीडियम है ना, तो एच प्लस का इस्तेमाल करके बैलेंस करते, तो आप बोलोगे यहाँ पर है चार्ज कितना टू इंटू माइनस वन माइनस टू, सिक्स इंटू माइनस वन माइनस सिक्स, और यहाँ पर है जीरो, तो इस तरफ कितने चार्ज है बताओ, माइनस का एट, माइनस का एट। तो अगले स्टेप में क्या करूँगा मैं, टू एम एन ओ फोर माइनस में एट एच प्लस कर दूंगा, तो ये सिक्स आई माइनस हो गया, ये हो गया टू एम एन ओ टू प्लस थ्री आई टू। अगला स्टेप क्या होता है,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे बताओ? हम बोलेंगे भैया देखो यहाँ पर है 4 × 2 = 8, यहाँ पर 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4H2 ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, जो मैंने स्टेप बताया। तो ये सेम हो गया, ये 2MnO4-, ये 6I-। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, जिस तरफ ऑक्सीजन कम था, कितने ऑक्सीजन कम थे यहाँ पे 8, वहाँ पर कितने थे 4, तो 4H2 इस तरफ ऐड कर दिया। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। तो ज़्यादा इजी कौन सा पड़ गया? ये वाला। और ये सच में बहुत इजी है, आप बहुत ही आसानी से, बड़ा सिंपल स्टेप होता है। पहली बारे में पता लगाओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ, दूसरी बारी में जहाँ पर कम है एटम वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी बारी में किसने कितना का गेन किया है, किसने कितने का लॉस किया है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चौथी बारी में एसिडिक या बेसिक मीडियम वाला कॉन्सेप्ट, और चौथी बारी में ऑक्सीजन, और पांचवी बारी में अपने आप आंसर आ गया, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन, सो यू कैन नोट इट डाउन वेरी इजिली। देखो ये जो कुछ क्वेश्चन है, C3O2Br3O8S4O6, ये वाले जो क्वेश्चन है इसका एक चीज से बनना, जैसे मैंने लिख दिया C3O2 और मुझसे बोला कि यार कार्बन का ना, ये लास्ट है हमारा बैलेंसिंग के बाद, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, कार्बन का, तो अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है ना, तो आप बोलोगे 3x और 2 ऑक्सीजन का -4, 3x -4 इक्वल टू में 0, तो x आएगा 4/3, क्या आएगा? तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आया। लेकिन आपने अभी क्या सीखा है? आपने सीखा या तो +1 आएगा, या +2 आएगा, या +3 आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये पैराडॉक्स है। क्या ये पैराडॉक्स? जो सेटिस्फाई नहीं करता, जो अजीब सा होता है, अलग सा होता है। तो पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक है। तो ध्यान रखना, फ्रैक्शनल में 4/3 आएगा, 16/3 आएगा, 2.5 आएगा, यानी 5/2। तो ये वाले समझना थोड़ा सा, ठीक है? तो ये कुछ स्ट्रक्चर भी दे रखा है, पर आपको स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, आपको आंसर निकालना आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी होता है। जैसे ये क्या है, देखो ये है Br3O8, दिख रहा है? तो ब्रोमीन का निकालना है, तो आप बोलोगे 3x-16, 16 क्यों? 8 ऑक्सीजन, 2 का -2, 3x-16 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16/3, तो ये 16/3 आ गया। वैसे अगर S4O6 का निकालना है तो क्या लिखोगे? 4x, सल्फर कितना है? 4x, और ऑक्सीजन मतलब -12, तो -12 इक्वल टू में क्या आएगा? -2, तो यहाँ से 4x कितना आएगा? तो 10/4 कितना आ गया? 2.5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. तो ये बात ध्यान रखना, इनको बोलते हैं पैराडॉक्स इन व्हाट, पैराडॉक्स इन व्हाट बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 4/3, 16/3, 2.5, ठीक है? वैसे इसका भी निकाल सकते हो, सबका। बात समझ में आ गया? दिस इज द लास्ट टॉपिक, ध्यान रखना। सो एंजॉय योर डे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इस चैप्टर में।